एक एक पैसा किसानों का दिलाएंगे, इन सरकारों का दिमाग ठीक करेंगे। कल तो इनके ट्वीट और लाइव वीडियो जी आए हैं, चार दिन बाद देखना खेतों में नैना जो अपने होते हैं नैना, अगर वो इकट्ठा करते हुए नहीं नजर आए तो मुझे बोल दे। खान सिंह जी डोले आपने किक लागे, बहुत बढ़िया लागे, बड़ा रईस मिंदक है, ऐसा तो नेता होता तो हिंदुस्तान पूरे रुदा रोजा। नमस्कार, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं दबंग आवाज़। इस वक्त हमें बालोतरा जिले के नागाणा गांव में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा निकाली जा रही है थान सिंह जी डोली के नेतृत्व में। आपको बता दें कि पसपदा विधानसभा क्षेत्र से थान सिंह जी डोली इस बार विधायक पद के दावेदार हैं और अपनी चुनावी मोड़ में भी आ चुके हैं। और अभी आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों से पसपदरा क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे लगभग पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा बरसात हुई, उसकी वजह से किसानों की जो पकी हुई फसलें थी खेतों के अंदर पड़ी थी वो ख़राब हो गई थी। उसका बीड़ा सिर्फ और सिर्फ पसपदरा विधानसभा क्षेत्र में उठाने वाले थान सिंह जी डोली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन्होंने पैदल चलने का आह्वान किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसानों को न्याय दिला के रहेंगे, किसानों को उचित मुआवजा दिला के रहेंगे। मेरे साथ थान सिंह जी डोली जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रबल दावेदार हैं विधायक पद के पसपदरा क्षेत्र से। थान सिंह जी से बात करते हैं कि यात्रा का क्या है जो प्रारूप रहेगा, किस प्रकार इनकी आगे यात्रा होने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। थान सिंह जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जो व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा निकाल रहे हैं ये यात्रा क्या है, एक बार आप संक्षिप्त में बताएं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो बेमौसम बारिश हुई है जी, पकी पकाई फसल जो बर्बाद हुई है उसको लेकर व्यवस्थित रूप से जो बीमा कंपनियां बदमाशी कर रही है सरकारों की सह पर जी, उनका दिमाग ठीक करना। आज मेरी सुबह SDM साहब से बात हुई थी, मैंने कहा आज का वक्त है, या तो आप बीमा कंपनियों वालों को भेज दो, उनको बोलो नंबर ऑन कर दे, नहीं तो कल जहाँ भी मिले वहाँ कहीं पंचायत भवन सुबह भवन या कोई कमरा होगा वहाँ बंद करके ताला दे दूंगा, फिर तुम सब लोग मेरे पीछे भागोगे, मैं आपके पीछे नहीं भागूंगा। मुख्य उद्देश्य जो हमारा ये है किसानों का जो बीमा कंपनियों का सर्वे करवा कर संपूर्ण क्लेम दिलाना, पूरा मुआवजा दिलाना और जो कर्जा है किसानों का वो संपूर्ण कर्ज माफ़ करना। अगर ये नहीं करेंगे तो जनता इनको अब अपने बीच में आने नहीं देगी। हमारी यात्रा में यात्रा का परिणाम ये रहा, कल जब हम यात्रा पे निकले उसके बाद उनको याद आया, अरे भाई किसान तो है, इतने दिन तक किसान भूल गए थे, उनको लग रहा था सब नेता कोई परिवर्तन निकाल रहा है, कोई फलाना कर रहा है, ढीकड़ा कर रहा है, इनके लिए अपने लिए कोई नहीं बोलेगा, किसानों के लिए तो चुनाव के समय पैसा डकार जाएंगे। लेकिन अब यहाँ का किसान जाग चुका है, अब यहाँ का किसान शिक्षित हो गया है और अब यहाँ का किसान अपनी आवाज़ उठाना सीख गया है और प्रत्येक किसान की आवाज़ को बुलंद करके एक एक पैसा किसानों को दिलाएंगे, इन सरकारों का दिमाग ठीक करेंगे। कल तो इनके ट्वीट और लाइव वीडियो जी आए हैं, चार दिन बाद देखना खेतों में नैना जो अपने होते हैं नैना, अगर वो इकट्ठा करते हुए नहीं नजर आए तो मुझे बोल देना। ये यात्रा अभी बहुत पसपदरा बालोतरा में करवट लेगी, बहुत बदलाव करेगी और बहुत लोगों को जगाएगी और जगाते जगाते इस मोड़ पे ले जाएगी कि ये दोनों पार्टियां यहाँ से रप्पू सकर हो जाएगी। यात्रा आपने जो बड़ाऊ जाटू से शुरू की थी 19 तारीख के दिन, और यात्रा कहाँ तक जाएगी, क्या पूरे पसपदरा विधानसभा क्षेत्र में आप जाने वाले हैं या फिर कुछ सीमित क्षेत्र है इसका? प्रथम शरण जो हमारा है वो यहाँ से सांदेसरा तक का है और प्रथम शरण के बाद आगे का शरण कहाँ होता है उसके हिसाब से ये यात्रा चलेगी, अलग अलग शरणों में चलेगी। और बड़ाऊ से पद यात्रा आरंभ करने का यही कारण था, एक तो बड़ाऊ बालोतरा जिले के या बाड़मेर जिला अपना था, उसे सबसे लास्ट अंतिम कोने पर रहे, आज तक उसकी एक भी विकास का काम नहीं हुआ। और दूसरी जो वहाँ की सड़क थी वो हकीकत में पद यात्रा के लायक ही थी, गाड़ियाँ चलने लायक तो है नहीं, इसलिए हमने तय किया कि इस गांव की आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रथम अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो बड़ाऊ की धरती से ही करेंगे। और गणेश चतुर्थी के दिन आगाज हो चुका है और अब ये व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। अच्छा, हम खुद पिछले 2 दिनों से जो खेतों में जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और फसलें मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखी, हमने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि बहुत ज़्यादा खराब हुए। अशोक जी गहलोत ने अपने एक पोस्टर के साथ में एक नंबर लॉन्च किए थे 2,
कि इस पर आप फोन करिए और जान किसान बोले नंबर लग नहीं रहे। वो नंबर लग तो नहीं रहे, ये अशोक गहलोत शोर है जो कुछ भी जारी कर देता है, कभी कहता है मेरा ये है, कभी कहता है वो। नंबर कभी लग नहीं रहा है फिर भी सरकार नंबर जारी करें, और अभी तक मुआवजा भी। अगर एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र है, ये जो कल्याणपुर क्षेत्र है विशेष तौर पर, यहाँ पर कोई भी सर्वे होता है, जैसे कि अभी सर्वे होगा फसल खराबे का, तो ये ग्राउंड लेवल तक क्यों नहीं होता है? एक बात बताओ, दवा इंग्लैंड या अफ्रीका में है क्या? दवा कल्याणपुर क्षेत्र में है? दवा कल्याणपुर में नहीं है, दवा जोधपुर क्षेत्र में है। कल्याणपुर जोधपुर, इधर एक खेत इधर जोधपुर, एक इधर खेत इधर बालोतरा। दवा में सर्वे हो गया और यहाँ डोली लगती है, बालोतरा शुरू होता है, कल्याणपुर क्षेत्र शुरू होता है, सर्वे वाले गायब हो जाते हैं, उनके नंबर नहीं लग रहे, ये सब बढ़वे हैं। इन सबका दिमाग ठीक करना है। अगर मेरे को रास्ते में कहीं मिल गए तो मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, ये बात पक्की है। आप इतनी लंबी यात्रा पैदल तय कर रहे हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत भी भय नहीं लगा कि भाई पैदल मैं इतना लंबा कैसे चलूंगा? भगत सिंह अगर भय रखते तो आज देश आज़ाद थोड़ी होता। हम तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भगत सिंह के दीवाने हैं, और जब इंकलाब की टोली निकलती है तो निश्चित ही आज़ादी और क्रांति की क्रांति परवान की ओर चढ़ती है, ये तय है। जब से आपने कल यात्रा शुरू की और उससे पहले प्रचार हो रहा था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये थान सिंह डोली और आरएलपी की एक चुनावी यात्रा है, ये किसानों के लिए यात्रा नहीं है, उसके लिए आप क्या कहना? अब समझने वाले कुछ भी समझ लेंगे। आज से 12 महीने पहले बालोतरा में बजरी आंदोलन किया, तब तो नेता सब एसियों में सो रहे थे, मुझे कहाँ पड़ी थी, क्यों बैठा 90 दिनों तक धरने पर मुझे बताओ। और जब मजदूर तकलीफ में थे आज से 3 साल पहले, तब तो कोई सुनाव नहीं थे, नज़दीक भी नहीं थे, क्यों लड़ा उनके लिए 14 दिन तक सड़कों पे क्यों बैठा रहा? जब किसानों का बीमा क्लेम नहीं आ रहा था लास्ट ईयर, तो उनके लिए जगह जगह पे पंचायतें करने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं है चुनाव जीतना। हमने क्या कहा, व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा, पूरा सिस्टम बदलना है। ये सड़ा हुआ सिस्टम है उसको बदलना है। ये सामने ही देख लीजिए, पंचायत भवन बना है, इसमें नाम लिख दिया पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। ये क्या हो गया, कौन सा सिस्टम अपना रहे हो भाई? पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष क्या होता है? ऐसे बाड़मेर में कई ब्लॉक अध्यक्ष है। एक आप पद यात्रा कर रहे हैं, जनता जो कल्याणपुर क्षेत्र और पसपतरा क्षेत्र की जनता है, उसका आपको कितना सपोर्ट मिला है, कितना सहयोग मिला? ये क्या जनता ही तो है पसपतरा की, कोई विदेश से थोड़ी आया, इंग्लैंड अफ्रीका के थोड़ी लोग हैं, यहीं के लोग हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या थान सिंह जी डोली इस बार पसपतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव जनता लड़ाएगी। मेरे पास क्या है जो मैं चुनाव लड़ूं? आपने अभी तक ऐलान नहीं किया, क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपका टिकट फिक्स कर दिया या नहीं किया? ऐलान तो जनता करने वाली है, पार्टी तो जनता जब तय करेगी तब ऑटोमेटिक टिकट दबा देगी, कौन सी बड़ी बात है? हमारे लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है काम। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आप पहले मेरे से काम करवाइए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, काम करें, काम नहीं करूँ तो ओढ़बा देना। एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो क्षेत्र में जनता है वो अभी सत्ता में पार्टी कांग्रेस है, विपक्ष में भाजपा है, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीद करती है। कोई भी जो बड़ा ऐसा होता है, छोटा ऐसा होता है, तो वो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को याद करती है, अपने कल्याणपुर क्षेत्र में भी थान सिंह डोली को याद करती है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या आश्वासन देंगे कि फसलें खराब हो रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए यात्रा सब कुछ कह गई है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, आपके लिए कौन लड़ रहा है, आपके लिए मेहनत कौन कर रहा है। और दूसरा, जो लोग 4 महीने पहले तमाशा एक बोल रहे थे, तमाशा कर रहे थे कि हमने जूते उतार दिए, संपल उतार दिए, अब क्या फ़र्क पड़ता भाई? वहाँ से बैठकर कल्याणपुर उतरना, कल्याणपुर से बैठकर नागाना उतरना, बैठने में जूते मेरे को बोले तो मैं पूरी ज़िंदगी उतार के घूम जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? हैं, और 19 जिले बने, एक बालोतरा ज़िला बना नहीं। जब जूते उतारने से अगर बालोतरा अकेला ज़िला बनता तो मैं खुद स्थानीय विधायक का हमेशा समर्थक बन जाता। 19 जिले बने, जिले तो फेंके गए, ये ले तू भी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वाकई में इनको हमारे क्षेत्र की चिंता होती तो लास्ट कार्यकाल इनका था तब जिला बनाने की मांग करते, उससे पहले जब कांग्रेस का राज था तब जिला बनाने की मांग करते, बीजेपी का भी राज रहा, इनको खाली ढोंग करना था, खुद का ही राज और खुद ही नंगे पाँव घूमे, इससे बड़ी पूरे क्षेत्र की बेइज्जती हो नहीं सकती है। मारो राज वे, मैं अड़वाना फिर हाँ कोई वह लोग और साथी मात पकड़ कर काम कराऊँ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, बालोतरा जो है वो विकास के नाम पर पहले अग्रणी हुआ करता था, अब पीछे चला गया। बालोतरा औद्योगिक नगरी होते हुए भी यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, बाहर स्कूल कर ली पर अंदर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, लैब नहीं है, अन्य तरह की सुविधाएँ नहीं है, पीने का पानी नहीं है। वो सरकार अगर विकास की नाम की बातें करती है और अगर उनके कार्यकर्ता अगर उस विधायक को विकास पुरुष कहते हैं तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी बेईमानी और क्षेत्र के लोगों के साथ सलावा और धोखा कोई हो नहीं सकता है। जी बिल्कुल।
ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के थान सिंह जी डोली, और इन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर ये व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा कर रहे हैं, जिसका जनता का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ नागाड़ा फाटे के ऊपर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी सारे लोग इनके समर्थक है जो समर्थन में उतरे हैं, किसान लोग, और सब यही आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा मिले। कुछ किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर। वहाँ सर कई नाम आप? मारो नाम अपू राम है सर। अच्छा, आज आरएलपी रो झंडो वगैरह गाली, आरएलपी ज्वाइन कर ली? मैं तो कितने ही करी सर, आज कौन कर कितने ही करी। अच्छा, आज यात्रा किनवा तो हो रही है, इन आपने कई फायदा मिले? और फायदो यात्रा बिनी है किसान के लिए, खेत में नैना हड़गा किसान तो कूके है मार दे, कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, तो उनके पशुपतरा विधानसभा क्षेत्र में आप वोट किने देवला? वोट है को इन बोतल ने, बोतल देवला? हाँ। बोतल यानी बोतल आरएलपी। अच्छा, थान सिंह जी डोले आपने की लागे? बहुत बढ़िया लगे, बड़ा रिश मिंद है, ऐसा तो नेता होता है हिंदुस्तान पूरे हुदर रोजा बालोदरा कही है, पूरे हिंदुस्तान हुदर रोजा। अच्छा बिल्कुल, तो आपने हमें यूँ लाग रही है कि आपने किसानों ने मुआवजा मिल सके थान सिंह डोले रही यात्रा पर? बिल्कुल सहूलियत मिली। बिल्कुल, धन्यवाद।